कहीं ना कहीं माने जाएंगे और ऐसे में ये जिस तरीके से आपने देखा कि हमारी वो लोगों इस साइड से आ गए, इसका सारा श्रेय मेरी टीम को जाता है और जो लीडरशिप है हमारी राइट फ्रॉम डीजी सर टू एडीजी जम्मू जोन, डीआईजी जेकेएस और एसएसपी जम्मू, एंड वी आर वेरी क्लियर इन अवर माइंड, इन अवर एफर्ट्स एंड इन अवर परस्यूट टू सेंड ए वेरी क्लियर मैसेज that we will invoke the stringent possible provisions of NDPS Act and other relevant acts and book those persons who are involved into drug peddling, who are into drug smuggling and who are the big hidden faces जो पीछे से काम कर रहे हैं. ये फोर्थ अटैचमेंट है जिस तरीके से आपने देखा, तीन घर यहीं पे हो गए. वी हैव आइडेंटिफाइड सर्टन हॉटस्पॉट्स और हॉटस्पॉट्स में से एक हॉटस्पॉट जैसे आप सब जानते हैं कि राजीव नगर है. तो जो भी यहाँ का शहरी जो मुलव्विज है ड्रग पैडलिंग में, ड्रग सेलिंग के अंदर, उनके साथ यही हशर होगा. जो प्रॉपर्टी उन्होंने, जो प्रोसीड्स ऑफ नार्को टेररिज्म आर आफ्टर सेलिंग द ड्रग्स एक्यूमुलेट की है, वो सारी की सारी इसी तरीके से अटैच होंगी, सीज होंगी एंड सब्सिक्वेंटली जो उनकी सारी वो एफर्ट्स हैं, वो समाज को भी इस बात का पता चलना चाहिए कि किस तरीके की एफर्ट्स जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है. एंड मैं आपके माध्यम से, सारे मीडिया के माध्यम से मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सारे इतनी बड़ी तादाद में, इतने शॉर्ट नोटिस पे, जब हमने तो किसी को बताया भी नहीं, लेकिन आप लोग सारे यहाँ पे पहुँचे हैं. मीडिया के सोर्स से पता चल जाता, मीडिया को वो तो पहुँचता ऐसे अच्छे कार्य के लिए. आप लोग यहाँ पे आए एंड प्लीज़ बी ए पार्टनर टू दिस and send this message. There is no laxity or there is no room available, at least from the law enforcement agency, that we will not leave any stone unturned. I always say in this, जो भी हमारे पास प्रोविजन टूल्स अवेलेबल हैं, दे विल ऑल बी. ये जो अटैच की प्रॉपर्टी एक महिला की है, शकीला सांसी है जिसका नाम है. पुरुष तो काम करे पर अब देखा जा रहा है कि महिला कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि शायद पुलिस उनके उस पर शिकंजा नहीं कर सकेगी, या महिलाएं भी इसमें सक्रिय हो रही हैं, तो बराबरी की कार्रवाई होगी सर. हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है.